कांग्रेचुलेशन डेब्यू के लिए. थैंक यू. क्या चल रहा था जब आप सॉन्ग शूट कर रहे थे, नर्वसनेस, एक्साइटमेंट? मैं बहुत बहुत उस वक्त जब मैं अब तो मैं बहुत नर्वस हूँ. जब मैंने गाना रिकॉर्ड किया था तब मैं बहुत अलर्ट थी कि मैं कैसे इसे सही गाऊं और कैसे उसकी इमोशन पकड़ में रहे, उसका इमोशन पकड़ में रहे. आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू गेट इट राइट. सो अब जब मैंने इट्स अवेलेबल फॉर पब्लिक व्यूइंग, मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट सीक्रेट स्पेस ऑफ माई लाइफ विच आई हैव एक्सपोज्ड टू द वर्ल्ड. सिंगिंग इज़ माई फर्स्ट लव एंड I'm very scared and I'm very nervous. First लोग बोले लेकिन काफी late आए हम ये बोल सकते हैं. जी. इसके पीछे कुछ reason? बोलते ना जिसे सबसे ज़्यादा प्यार होता है उसे, बोलते ना जिसे सबसे ज़्यादा प्यार होता है उसे खोने का सबसे ज़्यादा डर होता है. तो मुझे हमेशा लगता था, यू नो, ठीक है, मैंने अपना सारा आर्ट, यू नो, आई हैव डन इट फॉर माय ऑडियंस. सिंगिंग है जो मेरी है. आई वॉज वेरी पोजेसिव अबाउट माय सिंगिंग. And then mom said, no, it's time to offer your singing services to the world. I was like, maa ne keh di hai, karna to padega. Jab ye proposal aaya tha aapke paas, to kya mind mein kya chal raha tha sabse pehle? Ki karna hai, nahi karna, kyunki kaafi din ho gaye the. Mujhe itne singing proposals aa chuke hain aur main hamesha na koi bahana bana ke nikal jaati hoon ki abhi waqt nahi hai, abhi riyaz nahi kiya hai, abhi taiyari puri nahi hai. लेकिन इस बार मम्मी ने कहा कि आपको गाना पड़ेगा और मेरी ज़बान सिल गई, मैं कुछ कह नहीं पाई और मैंने ऑर्डर फॉलो किया. क्या क्या सीखने मिला मैम से, क्योंकि काफ़ी उन्होंने भी 90s के दौर से वो सिंगिंग करके आ रही है. हाँ. तो कितना सीखने मिला? मैं बहुत कॉन्शियस हो गई थी गाना गाते वक्त क्योंकि ये एक लव सॉन्ग है. तो मैंने मम्मी को कहा कि आप प्लीज़ मेरी आई लाइन में मत रहो क्योंकि इट्स अ लव सॉन्ग एंड आई लाइक आई वांट टू इमोट एंड आई लाइक हाउ वीडियो में भी दिख रहा था मैम आप कैमरा लुक करके शाय हो रही थी. मैं ऐसा दिखा आई रागनी मैम भी कैमरा को देख के शर्मा रही है. मैं बहुत शाय थी अपनी मॉम के सामने लव सॉन्ग गाने के लिए. तो मैं मॉम को कह रही थी कि आप ना जो रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट हैं उनसे, जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो मशीन पे बैठे हैं, आप उनसे कहिए कि आप मुझे डायरेक्ट करें, आप प्लीज़ कुछ मत बोलो, मेक मी फील लाइक यू आर नॉट इन द स्टूडियो बिकॉज यू आर माई मदर. मैं शूट पे भी मॉम को कभी नहीं आने देती हूँ बिकॉज आई डोंट, इट्स आई फील डिफरेंट. तो हाँ, आई वॉज वेरी शाय वाइल रिकॉर्डिंग दिस सॉन्ग एंड आई एम वेरी शाय इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली एंड माई पेरेंट्स when all these kind of things I do. The हालांकि वीडियो में कुछ है नहीं but still it's psychological. तो क्या आगे चल के हमें मूवीज में भी गाते हुए दिख सकते हैं आप, अगर प्रपोजल मिले तो? Why not? Of course, yes. I have never said never. मैंने बहुत अलग अलग चीज़ें अपनी लाइफ में अटेम्प्ट की हैं और definitely I would like to collaborate with good music composers and learn. इसके अलावा मैम आपने थिएटर में डेब्यू कर लिया, म्यूजिक वीडियो में कर लिया, टेलीविजन कर लिया, बॉलीवुड कर लिया, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी कर लिए. अब क्या बचा हुआ जो करना है, कुछ माइंड में हो, किस जॉनर में एक्सप्लोर करना चाहते हैं अभी और बचे हुए? पता नहीं, आप बताओ कुछ बचा है क्या? हाँ, हमारे सबसे कुछ नहीं आपके हिसाब से माइंड में. एक्चुअली अभी डायरेक्शन भी इसमें, लेट मी जस्ट कीप बस आई थिंक मैंने अभी कुछ छोड़ा नहीं है, अभी रिपीट करना पड़ेगा खुद को. आई थिंक अभी बस अभी आई थिंक आई वुड लाइक टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द अपॉर्चुनिटीज आई हैव बीन रिसीविंग एंड ऑफर माई बेस्ट केपेबिलिटीज टू माई स्क्रिप्ट्स एंड माई डायरेक्टर्स एंड माई को एक्टर्स. सो येस, दैट्स अबाउट इट. किस तरह के प्रोजेक्ट्स की तलाश में है? मैंने गुड़गांव की है विच वॉज वेरी हैवी ऑन कॉन्टेंट. तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आई डोंट वॉन्ट टू डू अनदर वेरी ड्रेनिंग फिल्म. आई वॉज वेरी इमोशनली ड्रेन्ड वाइल फिल्मिंग गुड़गांव. और जब ये कर रही थी तब मैं और नर्वस थी बिकॉज मुझे सिंगिंग की प्रैक्टिस करनी थी. मैं ठंडा नहीं खा पी सकती, अचार नहीं खा सकती एंड ऑल दीज रिस्ट्रिक्शंस वर लाइक टू मच फॉर मी. बट या आई विल वर्क विद समबडी हु आई, यू नो, मुझे मज़ा कब आता है जब कोई डायरेक्टर या एक्टर कुछ ऐसा मुझे ऑफर करें जो मुझे लगे कि हाउ एम आई गोइंग टू डू दिस. व्हेन आई फील चैलेंज्ड दैट्स व्हेन आई गेट एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड वेरी मोटिवेटेड टू परफॉर्म दैट पार्ट. मैं हमेशा वही ढूंढती हूँ कि जो करने से मुझे डर लगे. न्यू कमर्स कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मानते सोशल मीडिया को, अब तो न्यू कमर्स क्या जो
देखा जाए तो हर एक जनरेशन इसमें आ रही है. देखिए सोशल मीडिया, कामिनी मैम की बात करें तो फिर उन्होंने यूट्यूब चैनल ऑन किया जी, उनकी जो भी चाहत थी वो अब सोशल मीडिया के थ्रू अब वो आ रहे हैं. क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म लगता है क्योंकि हर एक के पास, एवरीवन हैज अ वॉइस, एंड आई वुड बी हैप्पियर इफ द वॉइस वाज ऑफ रीजन. यू शुड हैव अ वॉइस, बट इफ यू हैव अ वॉइस ऑफ रीजन, इट्स लाइक अ फेदर इन योर कैप. यू हैव, पहले था कि हम कहाँ एक्सप्रेस करें, लोग हेल्पलेस थे, हम क्या करें. अभी आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आप जाहिर कर सकते हैं, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को, और आप एक अगर कोई चेंज लाना चाहें, आप कुछ करें, तो उसे एक इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज इसकी उसकी प्लस पॉइंट बहुत ज़्यादा है और नेगेटिव पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा है. डू समथिंग विच, डू इट फॉर, आई डोंट नो, जस्ट डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी एंड डोंट हर्ट पीपल, दैट्स इट. इसके अलावा मैम, कल सुप्रीम कोर्ट ने एलजीबीटी लॉ पास किया, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं आपसे इतना पूछना चाहूँगी कि आपने कभी किसी से प्यार किया है? किया है? अगर मैं आप कहूँ कि आप क्रिमिनल हैं तो आपको कैसा महसूस होगा? तो अगर किसी को किसी से प्यार करने के लिए क्रिमिनल करार दिया जाएगा तो उसे बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग फील होता है. तो मैं खुश हूँ कि आर्टिकल 377 रद्द कर दिया गया है और हमारी गवर्नमेंट ने ये अच्छा डिसीजन लिया है, सबने इसे सपोर्ट किया है, एंड इट्स द राइट डिसीजन. बिकॉज आई एम वेरी, इट्स एक्चुअली अ हिस्टोरिकल डिसीजन एंड आई एम इन कम्प्लीट सपोर्ट ऑफ इट. आप किसी को प्यार करने के लिए क्रिमिनल का करार नहीं दे सकते हैं. आप लोग सब यहाँ आए, मुझे इस बात की बेहद खुशी है. मेरे लिए, मेरी जिंदगी का ये बहुत बड़ा मोमेंट था कि मैं अपना सपना जी रही हूँ. जो मैं 13-14 साल एज ए राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर काम कर रही थी, वो बीच में 13-14 साल में उससे दूर होकर ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी करी थी, जिसमें मेरा नाम बहुत हो गया, मैं लोगों के सामने आ गई, मैं रेडियो पर आरजे बन गई, मैं टेलीविज़न पे आ गई, और एक डिफरेंट जोना था, लेकिन अंदर कहीं पर कामनी खन्ना राइटर, म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर है. तो जो 14 साल मैंने काम किया इतने, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ. तो मेरे पास 700 धुनें हैं इस समय, 300 भजन हैं, 700 धुनें हैं. तो मैं भजन के प्रोग्राम्स भी करती थी. अब चाह रही हूँ कि वापस आप लोगों के बीच YouTube/कामिनी खन्ना म्यूज़िक को लेकर एज अ राइटर, म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर फिर आऊँ, बहुत सारे लोगों को लाऊँ. रागिनी को लाई हूँ मैं आपके बीच, अब अपने बेटे अमित खन्ना को भी लाऊँगी. बहुत सारे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं मेरे साथ में, जैसे बड़े बड़े महानुभाव ने, अनूप जलोटा जी ने भी वादा किया कि वो मेरे साथ काम करेंगे. मैंने कई बड़े आर्टिस्टों के साथ बिहाइंड द कैमरा काम किया हुआ है, राइटिंग की हुई है, म्यूज़िक डायरेक्शन किया हुआ है, गोविंदा जी के साथ बहुत सारा काम किया. तो अभी फिर मैं एंटर कर गई इसी काम में. 14 ईयर में काफ़ी लंबा वक्त होता है. हाँ. 14 साल बीच में भी आ सकते थे आप. बीच में कैसे आती बताओ. अभी क्या होता है, क्या हुआ था एक्चुअली, कि जब मैं प्रोफेशनली रेगुलर काम कर रही थी एज ए राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, तो आपको याद होगा कि MP3 और रेडियो की एंट्री हुई थी उस जमाने में, और म्यूजिक इंडस्ट्री में सडन स्लैग आया था. उस वजह से सब जगह लोग स्ट्रगल करना शुरू हो गए थे, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर सब, अगर मैं गलत नहीं कह रही तो. और मुझे, मेरी नेचर में शुरू से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना नहीं लिखा है. मैं जो इक्का दुक्का लोग मिलते रहते हैं उनको हाथ जोड़ देती हूँ, काम मांग लेती हूँ, बस उतना ही है. तो मैं, और लेडीज़ के लिए स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल भी होता है, ये आप जानते हो. तो इस वजह से मैं ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी, जो मेरा पैशन था बचपन से, मैंने 27 साल एस्ट्रोलॉजी की स्टडी की, और मेरा चैनल बहुत मशहूर हो गया YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी, जिसको 21 लाख से ऊपर 22 लाख व्यूज़ हैं, 21,000 सब्सक्राइबर हैं. और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया. 600-700 लेक्चर्स हैं उसके ऊपर मेरे. तो वो जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में स्लैग आया, तो जब मैं इसमें आई तो लाखों लोग मेरे साथ जुड़ गए. तो अब उनको निराश तो नहीं कर सकती थी मैं, और चैनल्स कई मेरे साथ काम किए, रेडियो पे हूँ, उन वो भी कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ. एक आदमी कई सारे काम्स कर सकता है. ओके, सुपर मैम. लेकिन मैम, ये आइडिया कब आया? क्योंकि 14 साल हो गए थे. एक आशा होता है कि हम तो भूल जाते हैं इन सभी बातों को, तो फिर ये उजागर किस तरह से हुआ? क्या वाक्य था वो कि आपने बाद में रागिनी मैम को भी कन्विंस किया, क्योंकि उन्होंने
अभी जस्ट इंटरव्यू कहा कि वो भाग जाती थी सिंगिंग के नाम का भी फिलहाल छोड़ने के बाद में, क्योंकि उनका भी गैप हो गया था एक। हाँ, बहुत अरसा गैप रहा मेरे गुरुजी की, जो संगीत के गुरुजी थे मेरे, पहले मैंने अपनी स्वर्गीय माता निर्मला देवी जी से सीखा गायन मैंने काफ़ी साल, फिर उसके बाद मेरे गुरुजी की डेथ हो गई तो हमारे घर में एक गमगीन माहौल हो गया था 3-4 साल के लिए। और क्योंकि वो 16 साल तक मेरे घर में सुबह 6 बजे आ जाते थे, और प्रकाश प्रसाद जी स्वर्गीय, और हमने उनके थ्रू बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल देखा संगीत का। तो वो 3-4 साल भी बहुत बुरे थे हमारे, उनका सपोर्ट नहीं था, और उसके साथ जब मैं दोबारा एंट्री करना चाही तब ज़माना बदल चुका था, लोग बदल चुके थे और लोगों की प्रायोरिटीज़ बदल चुकी थी, और मैं उस हिसाब से अपनी चीज़ें लोगों तक कैसे पहुंचाऊं, मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई कैसे पहुंचाऊं। मैं हर महीने 4 एल्बम छाप सकती हूँ अगर मेरा म्यूजिक चैनल है तो, और मैं अगर किसी की फिल्म करना चाहूँ तो मुझे इक्का दुक्का गाना दे देंगे, तो मैं चाहती हूँ फिल्म करना, मैं चाहती हूँ रेगुलर। यही पूछना है डिजिटल मीडिया के बारे में, क्या कहना है आपका, क्या राय है इसके बारे में? डिजिटल मीडिया एक बून है, डिजिटल मीडिया एक ईश्वर का दिया हुआ वरदान है लोगों को, कि जो लोग अंदर ही अंदर अपनी कला को लेकर घुटते रहते थे, जो लोग अंदर ही अंदर बाहर काम ना निकल पाने की वजह से रोते थे, वो अब आपकी कला आप एक छोटे से मोबाइल से शूट करके यूट्यूब पे डाल सकते हो। और आपको पता है यूट्यूब की रीच कितनी है, अगर आपका काम अच्छा है तो आप सीढ़ी के नीचे एक लड़की बैठ के गाई थी उसका भी बहुत नाम हो गया, और अभी आपने डांसिंग अंकल का तो किस्सा देखा ही है। फाइनली रागिनी मैम को कन्विंस करना कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए, और सॉन्ग करने क्योंकि उसे डायरेक्ट भी आप ही कर रहे थे, और काफी रागिनी को कन्विंस करना इसलिए मुश्किल था क्योंकि रागिनी एक फुल फ्लैज एक्ट्रेस है और वो अपने काम में बहुत बिजी है, लेकिन फिर भी उसके अंदर की जो गाने की उसकी जो उसने जो 16-17 साल गाना सीखा तो मुझे पता है कि वो किसी न किसी दिन बहुत नाम करेगी गाने में, और मैं चाहती थी कि ये शुरुआत मुझसे ही हो, लोगों तक पहुंचाऊं तो सही कि रागिनी गाती है बहुत अच्छा गाती है, जब तक लोग जानेंगे ही नहीं कि रागिनी गाती भी है इतना अच्छा गाती है, तो इसलिए मैंने रागिनी को कन्विंस करना शुरू किया। हुआ यूँ कि उसने 3 गाने गाए और ये 3रा गाना था, 2 गाने गाने के बाद उसने बोला मम्मी ये पहले नहीं लाते हैं ये बाद में लाते हैं, फिर 2रा गाना गाया फिर बोला ये पहले नहीं लाते हैं ये बाद में लाते हैं, अब 3रे पे मैंने कहा बेटा इसको मत अंदर डालना, अब तू इसको रिलीज कर दे, क्योंकि एंड शी रियलाइज के बहुत अच्छा उसने काम किया है और आप लोगों के सामने है। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए YouTube/BeautyWithAstrology भी, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए YouTube/KaminiKhannaMusic भी, आप लोगों के सपोर्ट के बगैर कैसे काम होगा। थैंक यू सो मच।